भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, अपने पांचेमल विधानसभा से लेकर इस पूरे जिले के अंदर, बड़वानी के जिले के अंदर सड़कों का जाल बिछाए कि नहीं बिछाए, जरा बताओ। गांव गांव सड़कों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अरे ताकत से बताओ भाई, गांव सड़कों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कांग्रेस की जब सरकार थी 2003 में, मिस्टर बंटा ढार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तब सड़कें थी क्या गांव के अंदर? अरे ताकत से बताओ, ये दिग्विजय कमलनाथ को पता लगना चाहिए, तब सड़कें थी क्या? आज जाल बिछाए कि नहीं बिछाए? इनके शासन काल में बिजली के लिए, बिजली यहां पर मिलती थी क्या जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी? बिजली नहीं मिलती थी, लालटेन जना करके टिम 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 में हम पढ़ाई करते थे और गर्मी के मारे लोग इतने परेशान होते थे कि लोग हलाकान होकर के घूमते थे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ताकत से बताओ, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? पानी किसानों को उपलब्धता, किसानों को पानी था नहीं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलसूद और बड़वानी के अंदर भी सिंचाई आज 45 लाख हेक्टेयर तो है ही, माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है अब बड़वानी के अंदर भी नर्मदा का पानी आएगा, पलसूद के अंदर भी नर्मदा का पानी आएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव गांव को सड़कों से जोड़ा, तो अब हम इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 2023 तक हर घर को जल, हर घर को नल, कोई भी गांव भारत का ऐसा नहीं बचेगा, कोई घर 2023 तक ऐसा नहीं बचेगा जहां नल के टोंटी से पीने का पानी घर में नहीं पहुंचे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो केंद्र के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीब कल्याण की योजनाओं में हमारी बहनें बैठी हैं, लाडली बहना योजना में बहनों को 1000 रुपए कहा था तो 1000 ही उनके खाते में 3 किस्त आ गई। बहनों आ गई कि नहीं आ गई? 3 किस्त आ गई ना, देखो मेरी बहन के चेहरे पर खुशी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं फिर 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, और 3000 तक मेरी बहन के खाते में लाडली बहना योजना में हम मेरी बहन को सम्मान देंगे। मेरे भाई और बहनों मुझे बताओ, मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो किया कि नहीं किया? 1250 बहन आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? अब 1250 आ गए, 1500 भी आएंगे और 3000 भी आएंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनी थी, मिस्टर बंटा ढार के सारे पर चलती थी, और उन 15 महीनों में इन्होंने, कांग्रेसियों ने गलती से यहां कांग्रेस का विधायक बन गया था। मेरे बहनों और भाइयों, जरा ईमानदारी से बताना, कांग्रेस ने विधायक, कांग्रेस के विधायक ने पलसूद में कोई विकास किया है क्या? अरे ताकत से बताओ, किया है क्या? यहां पर कांग्रेस का विधायक चुन करके इस क्षेत्र का नुकसान हुआ है क्या? नहीं हुआ है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन गलती से कांग्रेस का विधायक चुन लिया गया तो हर गरीब का हक और अधिकार छीनने का काम यहां पर हुआ है। और कमलनाथ के नेतृत्व में जो 15 महीने सरकार चली थी, उसने जिस प्रकार से लूट की थी, 281 करोड़ रुपए तो उसके पीए के पास पकड़े गए। तो मैंने पूछा, कमलनाथ जी ये पैसे कहां से आए?
अब इसके बारे में मैं जनता को जरूर बताना चाहता हूं, ये पैसे कहां से आए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी कहते थे हम दिल्ली से एक रुपया गरीब के लिए भेजते हैं। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा एक रुपया गरीब के लिए भेजते हैं, उसमें से 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं। गरीब तक केवल एक रुपये में से 15 पैसे पहुंचते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने चिंता व्यक्त नहीं की, उन्होंने कहा मेरी सरकार बनी है तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में ये दलाल और बिचौलिया नहीं चलेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ईमानदारी से कहना, जनधन अकाउंट खुले, जनधन अकाउंट में 48 करोड़ परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट जब खोले तो ये कांग्रेस के लोग कहते थे ये जनधन अकाउंट खोल करके प्रधानमंत्री क्या लाखों रुपए देगा, मजाक उड़ाते थे। लेकिन ईमानदारी से मेरे भाइयों और बहनों बताइए, आज केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, लाडली बहना योजना, कन्यादान योजना में 55,000 रुपए का चेक, लाडली लक्ष्मी योजना में 1,28,000 लाडली लक्ष्मी पैदा होती है तो उसके खाते में चले जाते हैं, तीर्थ दर्शन योजना जो कमलनाथ ने बंद कर दी थी हमारे बुजुर्गों की, कन्यादान योजना बंद कर दी थी। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं जो कहना चाहता हूं कि आज अगर 1,000 रुपए मेरी बहनों आपके खाते में आए हैं तो आपसे किसी बिचौलिए दलाल ने कोई एक पैसा लिया है क्या? कैसे बताओ, लिया है क्या? कोई भी योजना थी, किसान सम्मान निधि, माननीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपए किसानों को, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4,000 देते थे, अब वो भी 6,000 हो गई। तो मैं किसान भाइयों पूछना चाहता हूं, 1 रुपया भी किसी किसान से कोई दलाल और बिचौलिए ने में लिया है क्या? अरे ईमानदारी से बताओ। अब मैं पूछता हूं कमलनाथ आपको कि 281 करोड़ तुम्हारे पीए के यहां पकड़े गए थे जब ये कहा जाता था कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है, तो राजीव गांधी जो कहते थे कि 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह जी बताओ ये पैसा उसी दलाल और बिचौलिए आपके कार्यकर्ताओं ने खाया था जो आपके पीए के पास पकड़ा गया। व्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपको 1 रुपया दिल्ली से भेजा है तो 1 रुपया ही आपके खाते में जा रहा है, ये जाता रहे, दलाल और बिचौलिए नहीं आए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर चाहिए, और इसके लिए पासेमल का विधायक चाहिए, और इसी के लिए जन आशीर्वाद मांगने आए हैं कि हमने जो विकास के काम किए, सड़क बिजली पानी से लेकर के शिक्षा के अंदर पढ़ाई। मैं कहना चाहता हूं मेरे गरीब का बेटा, किसी आदिवासी भाई और बहन का बेटा, अगर वो पढ़ लिख करके होशियार है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो मैं तो पूछना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अगर 10 लाख की फीस लगेगी तो हम में से कितने लोग 10 लाख की फीस दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, मध्य प्रदेश के अंदर पलसूद का, मध्य प्रदेश के अंदर पासेमल का, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के किसी कोरे का, किसी आदिवासी भाई और बहन का बेटा अगर होशियारी के आधार पर डॉक्टर इंजीनियर में प्रवेश लेता है तो उसकी 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए भी फीस भरना पड़ेगी, तो उसके मां बाप चिंता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण और विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की आपकी ताकत है, और इसलिए आपका जन आशीर्वाद चाहिए। और ये कांग्रेसी 24 घंटे झूठ बोलते हैं, ये हमारे आदिवासी भाई और बहनों को वोट बैंक मान करके गुणा भाग करते रहते हैं, फूट डालो, राज करो, इनको बुलाओ, इनको करो, कुछ खड़ा कर दो, इनको खड़ा कर दिया, उनको खड़ा कर दिया, केवल इसी पर आधारित चल रहे थे।
आदिवासी भाई और बहन के सम्मान के लिए, हमारे नेताओं के सम्मान के लिए, हमारे क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो काम किया है, लेकिन मेरे आदिवासी भाई और बहनों एक बात मैं जरूर आपके बीच आज कहना चाहता हूं, इन कांग्रेसियों से पूछिए, ये विधायक आए तो पूछिए, कांग्रेस का कोई नेता गलती से आए वैसे तो आएंगे नहीं, अगर आए तो पूछिए, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ हमने जो किया है उसके लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं, लेकिन इनसे पूछिए आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस ने 55 से 60 वर्ष तक राज किया था, किस आदिवासी भाई और बहन को देश के अंदर आपने सम्मान दिया? आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए ये गजेंद्र पटेल बैठे, अंतर सिंह आर्य बैठे, यहां भी हमारे प्रबुद्ध लोग बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तब अटल जी ने कहा था आदिवासी भाई और बहनों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अलग से जनजाति मंत्रालय बनना चाहिए। तो आजादी के इतने वर्षों में किसी ने विचार नहीं किया था, अगर किसी ने विचार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति मंत्रालय अलग से बनाया था। और मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेसी आए तो पूछिएगा, आपने जनजाति समाज के किस भाई और बहन को इतने 55-60 वर्षों में सम्मान दिया? लेकिन मुझे गर्व है मेरे भाई और बहनों, और आपको भी गर्व है, आपका भी सर मस्तक से ऊंचा हो जाता है कि देश के राष्ट्रपति के पद पर एक सामान्य पार्षद बहन, जो बाद में मोदी जी ने उन्हें राज्यपाल बनाया, और एक सामान्य गरीब परिवार की आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी है। आदिवासियों के सम्मान के लिए, भाई और बहनों के सम्मान के लिए, क्रांतिकारियों के मान और सम्मान के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, तो इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में आपका आशीर्वाद चाहिए, और इसलिए आज जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निकली है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, एक एक गांव में, एक एक घर के अंदर, कोरोना के महामारी के संकट में जब देश नहीं दुनिया पूरे कोरोना के संकट से प्रभावित थी, तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, लोग कह रहे थे कि भारत तो 140 करोड़ का देश है, क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, गरीब क्या करेगा, लेकिन मेरे भाई और बहनों आप मुझे बताओ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के संकट में उसी दिन तय कर दिया था कि मेरे शासन काल के अंदर कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। पिछले 3.5 वर्षों से कोरोना के संकट में 5 किलो अनाज हर गरीब के घर में देने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो आज तक हर गरीब के देने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप सब लोग आज इतनी बड़े विशाल जन समुदाय में, इस विशाल सभा में, पलसूत के अंदर आप आज उपस्थित हुए, जन को, जनता को, भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और सरकार मेरे भाई और बहनों तब बनेगी जब पलसूत का विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, ताकत से बताइए, बनाना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पलसूद में भाजपा का विधायक बनाना है, पलसूद में भाजपा का विधायक बनाएंगे, अरे ऐसे नहीं होगा, ताकत से बताइए, बनाएंगे, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, दोनों हाथ उठाइए। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दिन भर चोरी करने का झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, इन्हें जवाब देने के लिए मुट्ठी बांधनी पड़ती है, और आदिवासी भाई और बहन तो ताकत से मैदान में है, हाल फालिए में हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर, चाय के ठेले पर हमें संकल्प लेकर के जाना है, आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए, सब लोग तैयार हैं? पलसूद का विधायक हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जिताएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
भगवान बिरसा मुंडा की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।